हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइवल ऑफ वेस्ट यानी कचरे का पुनरुद्धार। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल में एक मिनी वाटर पंप बना के दिखाएंगे जो मेरे अपकमिंग एक प्रोजेक्ट में काम में आएगा। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा ये मिनी वाटर पंप नाइसली वर्क कर रहा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक 12 वोल्ट डीसी मोटर, और इसके बाद ले लिया एक बोरोलिन का डब्बा, और इसके बाद ले लेंगे एक पुराना कूलिंग फैन से, ये जो मिडिल में जो बोश होता है वो बोश, और इस बोश में जो इम्पेलर शिफ्ट होता है शिफ्ट को फिट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो इस बोश के बदले में इस तरह की कोई बोश भी ले सकते हैं। मैंने इसको ले लिया है क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ा मोटा है, और अब मैं एक मोटर का बैक साइड इस तरह से काट के ले लिया है जो बोश को फिट करने में काम पे आएगा। अब मैं इस डब्बे में एक होल कर लेंगे बोश को फिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस डब्बा में इस बोश को ऐसे फिट कर देंगे, और आप लोग देख सकते हैं इसे फिट करने के बाद ये फ्रीली मूव कर रहा है। अब इस डब्बा को आगे से काट के थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि मुझे इतना थिकनेस नहीं चाहिए। तो इसे मार्किंग करने के बाद मैंने इसको एक्चुअल शेप में काट लिया है, और अभी एक बॉडी स्प्रे का कैप ले लिया है और जिसको मैं इस तरह से फिट कर देंगे, और दो पेन ले लिया है इनपुट और आउटपुट के लिए। अभी फ्रेंड्स, मैं इम्पेलर बनाने जा रहा हूँ तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का ग्लास ले लिया है, और इसको इसे मार्किंग करके मैं काट लेंगे। और फ्रेंड्स, अब इम्पेलर को फिट करने के लिए मैंने एक गियर व्हील ले लिया है इस तरह का, तो इसको मैं फेविक्विक से चिपका देंगे ऐसे। और फ्रेंड्स, अभी इम्पेलर में ब्लेड्स फिट करने के लिए मैंने इसे मार्क कर लिया है, और मार्क करने के बाद मैं एक प्लास्टिक का स्पून ले लेंगे और स्पून को इस तरह से काट के यहाँ पे फेविक्विक से फिट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो स्पून के बदले प्लास्टिक का किसी भी चीज़ यूज़ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हर एक ब्लेड्स को मैं फेविक्विक से अच्छी तरह से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा जो इम्पेलर है वो बांध के रेडी हो चुका है, और इसके बाद बॉडी स्प्रे का कैप को मैं मोटर के साथ ऐसे फिट कर देंगे, और अभी इम्पेलर को इस तरह से मैं यहाँ पे फिट कर देंगे, और मोटर के साथ जो कैप लिया था इसको मैं ऐसे काट लिया है, और मैं जो दो पेन लिया था इससे सेक्शन पार्ट और आउटलेट बना लिया है, और इसके बाद मैं सारे पार्ट्स को अच्छी तरह से फेविक्विक से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहे तो इस बोरोलिन के डब्बा को मोटर के साथ डायरेक्ट फिट करके भी ये पंप बना सकते हैं, मगर मैंने जो यहाँ पे बॉडी स्प्रे का कैप लिया है इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर बोरोलिन के डब्बा में किसी की तरह की कोई लीकेज हो तो वो इस कैप के बीच से निकल जाएगा पानी, और मोटर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, और इस तरह से ये मोटर 100% वाटर प्रूफ बन जाएगा। और इसके साथ मेरा ये पंप भी बन के रेडी हो चुका है, और ये अच्छी तरह से वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पंप को 100% लीक प्रूफ बनाने के लिए मैंने एक अच्छी क्वालिटी के ग्लू ले लिया है, और इस ग्लू को सारे जॉइंट्स में अच्छी तरह से फिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस ग्लू को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैंने इसको एक रात के लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से सूखने के लिए। और इस तरह से फ्रेंड्स, मेरा ये पंप बन के रेडी हो चुका है। आप चलिए इसको चेक करते हैं। और फ्रेंड्स, इस पंप को चलाने के लिए मैंने एक 12 वोल्ट का अडैप्टर यूज़ करेंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे एक सॉकेट लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी इसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा ये पंप बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, और मैं जो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ इसके लिए ये परफेक्टली काम करेगा।